रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, नर्सरी जमात के उर्दू की क्लास में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सर्दी की छुट्टियां भी खैरियत से आप सब ने गुजारी होंगी और इन्जॉय किया होगा बहुत। चलते हैं अपने काम की तरफ। आज हम काम करेंगे उर्दू की किताब में। उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 69 यानी के 69 पर आज हम काम करेंगे। चलते हैं तारीख़ की तरफ। सबसे पहले देखेंगे तारीख़ क्या है। 12 जनवरी 2021। जनवरी यानी के 2021 साल तब्दील हो गया। पहले हम क्या लिखते थे, 2020, क्योंकि वो कौन सा साल था, 2020। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा महीना है, जनवरी। जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है यानी कि पहला महीना है, और जब पहला महीना स्टार्ट होता है तो उसके साथ साल भी तब्दील हो जाता है। तो क्या है, आज हमारे पास जो नया साल है वो क्या है, 2021। साल में कितने 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब ये 2021 साल हो गया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे काम, और सबसे पहले देखते हैं अपना उनवान। उनवान क्या है, हरूफ और उनकी आदि अशकाल लिखें। हरूफ और उनकी आदि अशकाल लिखें, ठीक है। तो हमारे पास कौन से हरूफ है, पहले हम वो देखेंगे। हरूफ है सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। ये तमाम हरूफ मैं आपको करवा चुकी हूँ, और इसको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं आज आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने पहले ये हरूफ लिखने हैं, और इन्हीं हरूफ की आप लोगों ने आदि अशकाल लिखनी है। क्या है ये, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। यहाँ पर पूरी हमारे पास अशकाल है, और यहाँ पर हमारे पास है आदि अशकाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे क्या, सीन। क्या कहा था मैंने आपको, सीन के कितने शोशे होते हैं, सीन के तीन शोशे होते हैं। शोशे इन इस जगह को क्या कहते हैं, शोशे कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन लगाई गोल, फिर साथ में एक दूसरी छोटी सी आधी लाइन लगाई यानी आधा दायरा बनाया। अब यहाँ पर हम दोबारा बड़ा दायरा बनाएंगे, तो ये क्या है, ये हमारे पास बन गया सीन, ठीक है। शीन को भी हम इसी तरह लिखेंगे, लेकिन क्या है, शीन के ऊपर तीन नुक्ते हैं, और यहाँ पर हम स्वाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्वाद। स्वाद में क्या कहा था मैंने आपको, एक छोटा सा हम गोल पत्ता बनाएंगे, और फिर उसके साथ एक गोल सर्कल यानी दायरा लगाएंगे, तो क्या बन गया, स्वाद। सीन, यहाँ पर आपने शीन लिखना है, शीन के ऊपर तीन नुक्ते हैं, बाकी लिखा जाता है सीन की तरह। ये है स्वाद और ये है ज़्वाद। ज़्वाद भी बिल्कुल स्वाद की तरह लिखेंगे, लेकिन ज़्वाद के ऊपर क्या है, एक नुक्ता है। अब हम आते हैं इनकी आदि अशकाल की तरफ। तो आदि अशकाल कैसे लिखेंगे, पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये काला नुक्ता नज़र आ रहा है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। गोल छोटे छोटे से दायरे बना लेंगे, जैसे कि हम सीन में बनाते हैं, और फिर थोड़ा सा इसको नीचे लाइन तक ले आएंगे। लाइन से बिल्कुल नीचे इसको नहीं लाएंगे, ये क्या है, सीन की आधी शक्ल। इसके साथ हम बड़ा वाला आधा दायरा नहीं बनाएंगे, सर्कल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, सीन की आधी शक्ल है। इसी तरह शीन भी लिखेंगे, दो छोटे छोटे से हम दायरे बना लेंगे, और साथ में एक यहाँ पर छोटी सी लाइन लगा लेंगे, और क्या, तीन नुक्ते। स्वाद, स्वाद का जैसे मैंने आपको बताया है, छोटा सा हम एक पत्ता बना लेंगे, और इसके साथ भी हम गोल दायरा नहीं बनाएंगे नीचे की तरफ, बस यहाँ पर रोक देंगे। क्या है ये, स्वाद की आधी शक्ल। ये क्या है,
ज्वाद, ज्वाद में भी बिल्कुल इसी तरह आधा पत्ता बनाएंगे और एक नुक्ता लगाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, ये है ज्वाद की आधी शक्ल। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर इसकी मश्क करनी है, सीन शीन की भी मश्क करनी है, स्वाद द्वाद ज्वाद की, और यहाँ इसके आदि अशकाल की भी मश्क करनी है। ये है आप लोगों के आज का काम। और सफ़ा नंबर 70 पर आप लोगों ने 70 पर सबसे पहले यहाँ पर तारीख लिखे, ये आप लोग के घर का काम है। और यहाँ पर सीन शीन स्वाद ज्वाद की क्या है, आदि अशकाल है, इसकी आप लोगों ने मश्क करनी है, ट्रेस करना है इसको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।